एसटीएन देखवा वाला सभी दर्शकों निशा के आड़ी सु राम राम। आप देख रहे हो खबर हाड़ोती सु। पहली नजर सुर्खियां पर। कार सवार चोरा की करतूत, घर का बारा खड़ी कार कतई चुरावा को करियो प्रयास। किसाना कताई लोकसभा अध्यक्ष का घर जावा से रोक्यो, कृषि बिला कताई पाछो लेबा की मांग का कारण जारिया छा। लोकसभा अध्यक्ष ने गुजर समाज कताई दी सौगात, सात कमरा को करियो लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। कोटा का बोरखेड़ा थाना इलाका का श्रीराम कॉलोनी में अज्ञात कार सवार चोरा का द्वारा घर का बारा खड़ी कार कतई चुरावा को मामलो सामायो। चोरी की यह घटना वाला गया सीसीटीवी कैमरा में कैद होगी। हालांकि स्पष्ट वीडियो न आभासु अज्ञात चोरा की पहचान न हो सके। इस मामला में कार चालक ऋतुराज ने बोरखेड़ा थाना में शिकायत दी। कार चालक ने बताया कि सुबह 4 बजे करीब अज्ञात चोर कार में सवार होकर आया और घर का बारा खड़ी कार कतई खोलबा को प्रयास करो, पर सफलता हाथ न मिली। चोर वापस कार में सवार होकर लौट गया। अंधेरा ज्यादा होबा की वजह से सीसीटीवी स्पष्ट न आ रहा। जिसे ही कार चोरक ने कार चुराबा को प्रयास करो तो सेंटर लॉकिंग सिस्टम का आवाज करवा सु अज्ञात चोर रफू चक्कर हो गया। उठी थाना पुलिस ने शिकायत ले तब्दी शुरू कर दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में गुर्जर समाज कताई बड़ी सौगात देता हुआ सुभाष नगर स्थित देव नारायण सामुदायिक भवन में 7 नवनिर्मित कक्षा को लोकार्पण करियो और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव के द्वारा सांसद कोष से स्वीकृत 10 लाख रुपए की राशि बनवा वाला विशाल सभा कक्ष को शिलान्यास करियो। कार्यक्रम में समाज का कई पदाधिकारी मौजूद रहा। बिरला ने समाज का भमाशा कताई माला साफो पहना कर उकलारा ही श्रीफल और स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करियो। समाज का पदाधिकारी ने बिरला को सहयोग करवा का कारण धन्यवाद ज्ञापित करियो। साथ ही बिरला ने कार्यक्रम में संबोधित करता हुआ की कोटा बूंदी की जनता वहाँ को परिवार छ और वहाँ का बीच आकर वहाँ का अद्भुत ऊर्जा मिले छ। वहाँ गुर्जर समाज का प्रयास की तारीफ की और समाज का उत्थान का कारण हर संभव मदद करवा को आश्वासन दियो। इकलारा ही वहाँ समाज का लोगों से अपील की वह युवा कताई शिक्षा का कारण प्रेरित कर। वहीं से पहली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लोगा सु मिलिया, वहां लोगों की पीड़ा सुनी और वहां लोगों ने अपनी समस्या कतई ले लोकसभा स्पीकर कतई ज्ञापन सौंपियो। इस दौरान कोटा का मलखंब खिलाड़िया को समूह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सु मलबा का कारण हो गया। मलखंब खिलाड़िया ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ अपनी तस्वीर भी खिंचवाई और वहां आगामी टूर्नामेंट विजय को आशीर्वाद भी दियो। संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है और परिवार में जब भी आता हूँ मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने की और कोशिश होती है कि इस संसदीय क्षेत्र की जनता की भावनाओं को जानूं, उनके अभाव अभियोग को दूर करें, उनके साथ सुख दुख में भागीदार हूँ और किस तरीके से इलाके का विकास हो सकता है, चाहे गांव का हो शहर का हो, उस विकास की कार्य योजनाओं को ठीक से एग्जीक्यूट करके आम जन को इसका लाभ मिले, इसके लिए जब भी आता हूँ समय समय पर इसकी चर्चा करता हूँ। शरीर रूप से स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा और दौड़ेगा, इसलिए हर गांव के अंदर, हर पंचायत में, हर गांव-गांव में फुटबॉल, हर पंचायत में फुटबॉल, फिर एक गाँव के अंदर कंपटीशन होगा, फिर पंचायत में होगा, फिर पंचायत समिति में होगा, फिर जिला स्तर पे होगा, फिर संसदीय क्षेत्र में होगा। प्रभु यीशु को जन्मोत्सव दो दिन के बाद यानी कि 25 दिसंबर का दिन शुक्रवार का दिन मनाया जाओगो। हालांकि ये बार क्रिसमस पर्व पर भी कोरोना को सायो छ, ऐसा में चर्च में बड़ा आयोजन न हो पाओगा, पर क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही छ। शहर का चर्च दुल्हन की तरह सजाया जा रहा छ। सब्जी मंडी का CNI चर्च के दाई रंग बिरंगी लाइटा से सजाया गयो। कोरोना वायरस का चलता सारा प्रोग्राम ऑनलाइन करा जाओगा, जब तई सोशल मीडिया के द्वारा प्रचारित करेगा और सरकार की गाइडलाइन के तई ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग रख प्रोग्राम कराया जाओगा। साहब की तरफ से पहले तो सभी जितने हमको देख रहे हैं उन सबों को क्रिसमस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कमेटी की तरफ से जो लगातार चर्च को आगे बढ़ाने में काम करती है उनकी तरफ से भी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते जो है हमें पूर्णतः जो है अपने ध्यान रखना है। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट देती है उसको हम फॉलो करें, मास्क जरूर पहने घर से निकलते समय और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और बस यही कामना करते हैं कि आने वाला जब नया वर्ष हो यीशु मसीह के जन्म के साथ, कि हम एक बार फिर से जो है उसी धूमधाम तरीके से एक साथ मिलकर
जब अगले वर्ष का जब आएगा क्रिसमस उसी तरीके से हम जो है उसको सेलिब्रेट कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा सबको बहुत ऐसे आशीष। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे क्रिसमस की सारी तैयारियां जोरों शोरों के साथ में शुरू हो चुकी हैं और सजावट अभी चल रही है, पूरी होने वाली है और आज से हमारे कुछ कुछ कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और ज़्यादातर हमारे कार्यक्रम हम सारे ऑनलाइन करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हम उसको प्रसारित करेंगे। दिल्ली की सीमा पर बैठा किसाना का समर्थन व केंद्र सरकार से तीन कृषि कानून वापस लेबा की मांग कतई ले कोटा में भी किसान आंदोलित छ। किसान अनिश्चितकालीन धरना स्थल कलेक्ट्रेट से उठकर अपनी मांग कतई ले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का शक्ति नगर आवास पर ज्ञापन देवा हो गया, पर शक्ति नगर आवास पर लोकसभा स्पीकर का न होबा पर किसाना कताई पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा कोटा नगर निगम कार्यालय का पास रोको। ये बात सुन नाराज हो किसाना ने सड़क का किनारा की धरना पर लगा बैठ गया और ई किसाना न की वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कताई संसद में पारित होया तीनों कृषि कानून कताई वापस लाबा की मांग को ज्ञापन दगा। किसान नेता ने की केंद्र सरकार ने याद ना कानून कताई बनार देश का किसाना कताई डेथ वारंट लिखो छ और जितनी केंद्र सरकार ये डेथ वारंट कताई लिखवा के जिम्मेदार छ उतनो ही जिम्मेदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी छ जिनकी अध्यक्षता में तीन कृषि कानून का देश का किसाना को ऊपर थोपो गयो छ। यदि कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात को ओम बिरला जी तक पहुंचाने के लिए यदि वो यहाँ पर आकर के ज्ञापन लेता है तो हम जो है ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है इस बात को समझ गए कि तीन घंटे के बाद भी यदि नहीं आता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को किसानों के प्रति कोई सम्मान है नहीं। अन्यथा तो हमने तो ये बोला था कि वही वो जो है ओम बिरला जी हमें फ़ोन पर ही ये कह दे कि मेरे पीए को ज्ञापन दे दीजिए, मैंने उनसे बात कर ली है तो हम उसको भी सम्मान मान लेते, लेकिन वो तमाम कोशिश करने के बावजूद भी यदि पीए जवाब देता है मुझे दे दो, हमने कहा भाई आपको तो मेल से वैसे ही भेज देंगे, आपको देने की आवश्यकता कहाँ है। तो ये हमारा एक प्रतिरोध स्वरूप प्रतिरोध करते हुए हमने ये ज्ञापन सौंपा है। लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी, हाड़ौती के गांव गांव तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे और वो जो मोर्चे पर डटे हुए हैं हम उनको किसी भी तरह से निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं हाड़ौती में इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। नहीं, किसान तो हमारे साथ ही है। देखिए ये ज्ञापन जो किसानों के प्रतिनिधियों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के नाम पे है ज्ञापन और ये सरकार की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से मैंने स्वीकार किया है और हम इस ज्ञापन को माननीय लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचवा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है, सभी स्वतंत्र है, ये ज्ञापन है तो उन तक ज्ञापन पहुँचाना है, हम पहुँचवा देंगे। उठी सवाई माधोपुर में भी किसाना ने कृषि कानून वापस लेबा व एमएसपी गारंटी कलेक्टर का समक्ष जमकर प्रदर्शन करो। राष्ट्रपति का नाम जिला कलेक्टर का तय ज्ञापन सौंपियो। भूप्रेमी परिवार का बैनर तले विभिन्न किसान संगठन का द्वारा नया कृषि कानून को विरोध करो गयो। इस दौरान आधा दर्जन सभी अधिक ट्रैक्टर ट्रोलियां कलारा सैकड़ों किसान रैली का रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ कलेक्टर हो गया। जवाना कलेक्टर का समक्ष प्रदर्शन करता हुआ राष्ट्रपति का नाम जिला कलेक्टर का तय ज्ञापन सौंपियो। किसान नेता को कहबो छ केंद्र सरकार का द्वारा नया कृषि कानून का नाम पर किसाना से वहाँ की जमीन हड़प रहा पूंजी प्रत्यय को तय फायदो पहुँचा रही है जिसको देश को किसान कोई भी सूरत में बर्दाश्त न करोगो। डावे थाना इलाका में बेटी सुमल राता टेम पाचा सुलोडर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में कुरुनी निवासी गोरू उर्फ हीरा गंभीर रूप से घायल हो गयो। जिकदे परिजन ने कोटा बस अस्पताल में भर्ती कराया गयो जहां देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का परिजन को कहबो छ हीरा डाबी में अपनी बेटी सुमलबा का कारण आयो हो छो, बोला वापस घर जाबा का कारण चौराह पर आ रहे छो। इस दौरान पाचा सुवारा लोडर ने टक्कर मार दी जिसको हीरो गंभीर रूप से घायल हो गए जिसकी अस्पताल में ही मौत होगी। उठी डाबे थाना पुलिस के द्वारा बुधवार का दिन मृतक को पोस्टमार्टम करवा शव परिजना का तय सौंप दे गयो। उठी लोडर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। ये कहा क्या नाम है इसका? इसका गोरू भी कहता है दोनों बच्ची से मिलकर चमन चौराहे पे आ रहा था, पीछे से आगे मतलब लोडर ने देख के पटक दिया। कहाँ का रहने वाला था ये? जिला कुरुनी का रहने वाला है। शहर में कोरोना काल का चलता मौता को आंकड़ो बढ़ते ही जा रहे। कोविड अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार का दिन 8 मरीजों ने दम तोड़ दियो
जमसु चार महिला और चार पुरुष शामिल छे। हालांकि स्टेट से जारी आंकड़ा में एक भी मौत न दर्शाएगी। कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान रामनगर डीसीएम निवासी 80 साल की बुजुर्ग महिला, छावनी निवासी 67 वर्षीय महिला, विद्यानगर निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला व गावड़े निवासी 50 वर्षीय बुजुर्ग शामिल छे। उठी बूंदी का तायरा निवासी 62 साल व लाखेरी निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ियो, जबकि झालावाड़ का खानपुर निवासी 65 वर्षीय व बारा निवासी 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत होगी। स्टेट रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार के दिन 91 नया संक्रमित मरीज मिला, जबकि 129 मरीज डिस्चार्ज होया। रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में 672 एक्टिव केस बताया गया। कोटा में पहली कोरोना पॉजिटिव केस अप्रैल का पहली सप्ताह में आया था, जाके बाद अब कुल 17,831 जना पॉजिटिव मिल चुका। यहां में 16,996 मरीज रिकवर हो चुका है, जबकि 163 जना कोरोना का कारण दम तोड़ चुका है। झालावाड़ की परासली ग्राम समिति का उप स्वास्थ्य केंद्र को पिछलो हिस्सों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसको कभी भी बड़ो हादसों हो सके छे। भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन देर मामला के तहत अवगत करायो और मांग की भवन की मरम्मत अतिशीघ्र कराई जाओ। अगर मरम्मत न की गई तो भारतीय किसान संघ एक सप्ताह के अंदर CHC केंद्र रायपुर पर धरना प्रदर्शन करोगे। पूर्व उप महानिरीक्षक ईश्वर सिंह राठौर सवाईमाधोपुर के दौरा पचन सिंह ने परिवार सहित रणथंबोर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की खुशहाली का कारण मंगल कामना भी की। सेवानिवृत्ति से पूर्व राठौर ने सवाईमाधोपुर जिला में अपनी सेवा प्रदान की, साथ ही राठौर परिवार सहित रणथंबोर का नाहर होटल में ठहरिया और दौरान वाना सवाईमाधोपुर का कई जनप्रतिनिधियों का एवं सरकारी अधिकारियों से भी वार्ता की। तो ये थी अपने हारुति महाभारताएं की खबर। जाबासो फेली एक बार फिर से रूबरू होऊंगा खास हलचलासो। कार सवार चोरा की करतूत, घर का बारा खड़ी कार कतई चुराबा को करियो प्रयास। किसाना कताई लोकसभा अध्यक्ष को घर जाबा से रोक्यो, कृषि बिला कताई पाछो लेबा की मांग का कारण जारी छा। लोकसभा अध्यक्ष ने गुजर समाज के तय दी सौगात, 7 कमरा को करियो लोकार्पण। तो अब दीजो निशाना विदा, राम राम।